नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। एक मैसेज जो बिल्कुल मैं यहाँ पर देना चाहूँगी वो है आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जो काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि अब क्या करें, 2 दिन ही बचे हैं पेपर में। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि भाई सब छोड़ छाड़ के एकदम दिमाग को रिलैक्स कर लीजिए, नींद पूरी कीजिए, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर वाले जोन में रह करके पढ़ाई करते रहिए। दिमाग में बिल्कुल आपके पॉजिटिव थॉट्स रहने चाहिए कि आपको पेपर जो है किसी भी सिचुएशन में क्वालिफाई करनी है। इतनी मेहनत की है, 2 दिन की मेहनत आपको और करनी है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, PYQs के सूरत में हो सकती है, या फिर प्रैक्टिस के जो है कॉन्सेप्ट्स में हो सकती है, या कोई किताब पढ़ने के कॉन्सेप्ट में हो सकती है। क्योंकि आपकी तैयारी का जोन वो नहीं है कि आप यहाँ पर 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कई लोग यहाँ पर उससे भी वेल क्वालिफाइड हैं, तो आपके पढ़ने और समझने की क्षमता बेहतर है। ऐसे में जो एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, EMRS का पेपर जो है एक लंबे टाइम के बाद हो रहा है, तो 2 दिन के समय में यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं, हालांकि अगर इजीली अवेलेबल हो रहे तभी देखिएगा, गूगल के ऊपर आप NVS KVS जो भी पेपर आपके सामने अवेलेबल हो रहे हैं, 2013 ट्वेंटी थर्टीन तो नहीं 17 18 2023 का पेपर तो मैंने सॉल्व करवाया ही है वैसे भी यूट्यूब के ऊपर, NVS का पेपर, इसके अलावा UGC नेट का पेपर अभी दिसंबर में वाला भी जो हुआ है आपका, और फेब वाला आपका जो पेपर हुआ 2023 का और 2022 का, ये पेपर जो है उसके प्रीवियस ईयर पेपर दे करके जाइएगा। सब्जेक्ट कंसर्न के खास तौर पर जो पेपर सब्जेक्ट वाले हैं आपके मेन पेपर PGT के या TGT के, साथ में कोशिश कीजिएगा कि जो जनरल पेपर है आपका इंग्लिश और हिंदी की बात करें, तो यदि अब अगर आप लैंग्वेज को लेकर कॉन्फिडेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो रही है लैंग्वेज को कि भाई सवाल कैसे बन सकते हैं, तो एक बार KVS का जो 23 का पेपर हुआ है या 2018 का अगर पेपर अवेलेबल आपके पास इजीली हो पा रहा है, तो एक बार उसका फॉर्मेट जो है गो थ्रू कर लीजिएगा। नरेशन कैसे आए हैं, वॉइस कैसे आई है, कंप्रिहेंशन कैसे आए हैं, तो ये थोड़ा सा आपको एक जजिंग करने के लिए इजी हो जाएगा कि पेपर को किस फॉर्मेट में आपको अटेम्प्ट करना है। तो 2 दिन का ही समय हमारे पास है, क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके फ़ोन में, आजकल डेटा सबके फ़ोन में है, एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन में, तो इजीली आप उसको डाउनलोड करके जो है एक जो है लुक से देख सकते हैं कि पेपर में कंसर्न्ड पेपर है, जनरल पेपर कैसा पूछा गया है। जनरल पेपर से बिल्कुल मेरा मतलब है यहाँ पर जनरल नॉलेज से, और साथ में जो आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन जो भी क्वालिफाइंग इन द नेचर है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, देखना आप मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे खुद को कि पेपर आ कैसा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। एक ही सजेशन था, बाकी निर्भर आपके ऊपर करता है, यदि आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल। हालांकि मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज करके स्टूडेंट्स को बता दिया था। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर ये हमारे से एक लंबे टाइम के बाद हो रहा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक टच फैक्टर रहेगा बाकी जो है पेपर अब तक हो चुके हैं, तो इससे रिस्क ना लें। ये एक चीज़ आपके लिए स्कोरिंग जो है बिल्कुल साबित हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी।